आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नए वीक की शुरुआत हो चुकी है और आज भी हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों रेडमी से। फिर रेडमी की 10th एनिवर्सरी है 9 जुलाई को, यानी कि कल ही, और इसी दिन दोस्तों रेडमी अपनी काफी सारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है भारत में। और अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो फिर रेडमी 13 5G जो कि मोस्ट वेटेड स्मार्टफोन है जिसे लॉन्च किया जाएगा, और इसी के साथ सेम इवेंट में आपको रेडमी के बड्स 5C देखने को मिलेंगे। शाओमी RVC X10 जो कि शाओमी का अपकमिंग वैक्यूम रोबोट क्लीनर होने वाला है, काफी टाइम के बाद हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों शाओमी अपने दो पावर बैंक को भी लॉन्च करेगा। Xiaomi पॉकेट पावर बैंक 10,000 mAh की देखने को मिलेगी, एंड Xiaomi पावर बैंक 4i अगेन ये 10,000 mAh की होने वाली है। जी हां, वैसे देखते हैं Xiaomi इन सभी डिवाइसेस की क्या प्राइस सेट करता है भारत के लिए, और आप इनमें से कौन सी प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बताइए। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 10 जुलाई को होने वाला है, जहां पर सैमसंग अपनी काफी सारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, और उनमें से दोस्तों एक प्रोडक्ट होने वाले सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। जी हाँ, वैसे लॉन्चिंग से पहले दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के डिटेल्स निकल कर बाहर आ चुके हैं, जहां पर अगर स्पेक्स के बारे में बात करें 6.7 इंच के में FHD रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलने वाले, AMOLED डिस्प्ले वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। जी हाँ, हालांकि 3.4 इंच के में HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के में ताकत देखने को मिलेगी। 50+12 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, हालांकि 10 MP का में फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी होने वाली है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की क्या प्राइस सेट करता है सैमसंग भारत के लिए, और इस स्मार्टफोन को परचेस करने पर हमें क्या कुछ नए ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्पल की बात करें दोस्तों, एप्पल की अपकमिंग आईफोन 16 सीरीज हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों इसी सीरीज का सबसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसके स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स निकल कर बाहर आ चुके हैं, जहां पर अगर स्पेक्स के बारे में बात करें फिर 6.9 इंच की हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली सैमसंग की M14 OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 1600 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ। जी हां, इसी के साथ दोस्तों हमें एप्पल की सबसे फ्लैगशिप चिपसेट एप्पल की बायोनिक A18 प्रो चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 48+48+12 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 4676 mAh की बैटरी होने वाली है, वो भी 25W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। 8GB RAM का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कैप्चर बटन भी होने वाला है। वैसे ये स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस कही जा रही है $1199 होगी। अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन को भारत में किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है। गूगल की बात करते हैं दोस्तों, भी गूगल प्लानिंग कर रहा है कि भाई इंडिया को एक मेजर एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। जी हाँ, कहा जा रहा है दोस्तों गूगल के जो पिक्सल डिवाइसेस है जिससे इस साल के अंत तक एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर की कंट्री में, US एंड यूरोप में, यानी कि पिक्सल डिवाइसेस उससे ही पहले हमारे भारत में बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया पिक्सल डिवाइसेस होने वाले। जी हाँ, वैसे ऐसा होने से क्या गूगल के पिक्सल डिवाइसेस के में प्राइस कम देखने को मिल सकते हैं अगर अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो? अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेट्स। दोस्तों बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। जी हाँ भाई, एक्स लाइट प्रोसेसर के साथ आने वाले लैपटॉप हमें लग रहा है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कहा जा रहा है अपने दो नए लैपटॉप्स को लॉन्च करने वाला है भारत में बहुत ही जल्दी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप 7 एंड प्रो 11 होने वाले। जी हाँ, जिसमें कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन एक्स लाइट एंड एक्स प्लस प्रोसेसर का हमें इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जहां पर एक्स प्लस प्रोसेसर के साथ हमारा जो लैपटॉप होगा जिसकी प्राइस कही जा रही है 1.14 लाख होगी। जी हाँ, हालांकि जो एक्स इलाइट प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप होगा जिसकी प्राइस कही जा रही है 1.5 लाख होने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के दोनों लैपटॉप की क्या प्राइस रहती है और हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते हैं। गूगल की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, गूगल की अपकमिंग पिक्सल 9 सीरीज, जिसमें कहा जा रहा है भाई क्वालकॉम का 3D Gen 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जो कि ऑलरेडी सैमसंग S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों गूगल पिक्सल 9 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है।
Realme की बात करें दोस्तों, Realme GT 6 चाइनीज वेरिएंट बहुत ही जल्दी में चाइना में देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों लॉन्चिंग से पहले भी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग की डिटेल निकल कर बाहर आ चुके हैं। जहां पर अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.78 इंच की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आने वाली हमें BOE S1+ 80 LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के में ताकत देखने को मिलेगी। 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, हालांकि 16 मेगापिक्सल का में फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वो भी 120 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। Android 14 आउट द बॉक्स होगा, Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ, वैसे ये स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है चाइना में 3199 चीनी युआन होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 37,000 रुपीज के आसपास। जी हाँ, वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हो कि भाई ये स्मार्टफोन को भारत में भी लॉन्च किया जाए, क्या सोचे कमेंट में बताइए। गूगल की बात करें दोस्तों, गूगल की नई स्मार्ट वॉच हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, पिक्सल वॉच 3 एंड पिक्सल वॉच 3 XL। जी हाँ, क्योंकि दोनों स्मार्ट वॉच को FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है। वैसे यहाँ से पता लग रहा है दोस्तों कि दोनों स्मार्ट वॉच में हमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्ट तो ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं स्मार्ट वॉच के साथ हमें LTE मॉडल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गूगल की नई स्मार्ट वॉच हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपके किचन के लिए चिमनी, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों फेवर की ओर से आने वाली चिमनी अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है। वैसे यही चिमनी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फिल्टरलेस चिमनी रहने वाली, ऑटो क्लीन चिमनी, काफी बेहतरीन चिमनी होने वाली है, क्योंकि ये चिमनी पर आपको 12 साल की मोटर की वारंटी एंड 2 साल की पूरी चिमनी की वारंटी देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से इटालियन डिजाइन के साथ आने वाली ये चिमनी है, जिसमें आपको गेस्चर्स कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, टच कंट्रोल भी होने वाला है। जी हाँ, वैसे काफी अच्छी बात है। और यही चिमनी की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रही है 10,490 रुपये में। जी हाँ, वैसे अगर कार्ड ऑफर्स को मिला दिया जाए तो कुछ 1750 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि चिमनी की जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो और भी कम हो जाएगी, यानी कि ये काफी बेहतरीन डील है, किलर डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, लाइफ इज स्ट्रेंज डबल एक्सपोजर, ये गेम 29 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वैसे दोस्तों ये गेम हमें PS5, Xbox सीरीज, Nintendo Switch, Microsoft Windows यानी कि PC पर भी देखने को मिलेगी, सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये गेम आने वाली है। और ये गेम एक एडवेंचर थर्ड पर्सन शूटर गेम होगी। जी हाँ, वैसे एक काफी अच्छा टाइटल होने वाला है। अब ये तो क्या है कि भाई गेम के आने के बाद ही पता चल सकता है। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, आपकी सबसे पसंदीदा थर्ड पर्सन शूटर गेम कौन सी है, चाहे PC पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्मेलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।